गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू लाइफ ऑन व्हील्स विद एंडी। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली से कसौली। लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी जब कोयम्बतूर गए थे, और आज हम जा रहे हैं मदर्स डे के उपलक्ष्य पे 14th ही है ना, और अपना एक्सपर्ट ड्राइवर अपने साथ है, हेलो बोल दो। और हमारी नानी भी आज हमारे साथ हैं। नानी जी हेलो बोल दो आप। तो आज न्यू मेंबर से भी आपकी मुलाकात हो गई है। अभी तकरीबन 5 बज रहे हैं, हम निकले हैं दिल्ली से। होपफुली 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। 1-2 ब्रेक लेंगे, शायद मूलथल पे लेंगे, नाश्ता करेंगे, और एक हम लेंगे ब्रेक मोस्ट प्रॉब्ली ज्ञानीज पे, या अपने होटल पे ही खाना खा लेंगे, जैसे भी मूड करेगा और टाइमिंग के हिसाब से। प्लान ये है कि कसौली वैसे तो बहुत बार गए हुए हैं, बट इस बार सोच रहे हैं कसौली मार्केट जाएंगे। मेन है वहाँ बन मस्का, बन समोसा, व्हाटएवर यू कॉल इट, वहाँ का फेवरेट, वो खाएंगे। बन गुलाब जामुन भी खाएंगे, और आपको हनुमान जी के मंदिर भी ले चलेंगे। वहाँ पे हनुमान जी जब संजीवनी बूटी वापस ला रहे थे तो उनका पाँव पड़ा था, तो काफी मान्यता है उस मंदिर की। दो कह सकते हैं कस्टडी में है एयरफोर्स के, तो उनसे परमिशन लेके जाना पड़ता है, कभी वो देते हैं कभी वो नहीं देते हैं, तो लेट्स सी। सनसेट पॉइंट हम शायद जाएं क्योंकि काफी लॉन्ग वॉक है, बट ट्राई करेंगे, देखते हैं कितनी धूप है और हम लोग मैनेज कर पाते हैं नहीं। आगे अब आपसे रास्ते में मिलते हैं, तो दिखाते रहते हैं हाल रोड्स का। सी यू, बाय बाय। आपको आगे ले चलते हैं अपनी जगह।
हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। 70 किलोमीटर कवर हो गया है, गुलशन ढाबा से निकल रहे हैं। 6:30 बज गए हैं, 1 घंटे में हम यहाँ पहुंच गए थे। तो बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है अभी तक की। अब हमारा एक्सपर्ट ड्राइवर आ गया है जो आगे चलाएगा, तो वो अपनी स्पीड खींचेगा। हमने तो आराम से चलाई है, तो आराम आराम से पहुंचे। यहाँ पे आलू के परांठे खाए, लस्सी पी और चाय पी, बहुत मजा आया। अब आगे चलते हैं कसौली की तरफ। 310 किलोमीटर है दिल्ली से, यूजली 7 to 8 hours लगते हैं। आप कहीं रुकते हो तो 8 घंटे पूरे लग ही जाते हैं। देखते हैं आज कितना टाइम लगता है। सी यू देन, बाय बाय। बिल्कुल कोने में ही बैठी थी। एक्चुअली कई बार क्या होता है, जैसे वो मच्छर था ना मेरा इस तरफ, हाँ हाँ, उसका प्रॉब्लम ये था कि जब आप तेज चलाते हो ना गाड़ी, हाँ हाँ, तो बाहर का प्रेशर इतना होता है, हवा का, बाहर भाग नहीं पाता वो। मेरे 2 मच्छरों का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब बज गए हैं 7:30। 6:30 बजे हम निकले थे मूर्थल से। टोटल 2.5 घंटे हो गए हैं दिल्ली से चले हुए। 140 किलोमीटर कवर हुआ है। अपना एक्सपर्ट ड्राइवर कुछ ज्यादा ही स्पीड पे चला रहा है बॉस। ऐसे चलता रहे तो 5 घंटे में कवर हो जाएगा कसौली तक का रास्ता। एज यूजुअल जब हम भोपाल भी जाते हैं तो ये 14 घंटे का रास्ता 12-11 घंटे में कवर करवा देता है हमारा ड्राइवर। आज भी यही हाल है इसका। 8 घंटे का रास्ता लग रहा है, 5 घंटे में कवर हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम होटल जाने के बजाय सीधा हनुमान जी के टेम्पल जाएंगे, तो वहीं फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप लुत्फ उठाइए रास्ते का। सोच रहे थे हम के रास्ते में रुकेंगे, बट इस स्पीड पे तो रुकने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो पेट भरा हुआ है, तो लगनी रात दोबारा नाश्ता होगा। क्योंकि अगर 10:30-11 बजे हम पहुंच जाते हैं तो नाश्ता करने का तो मजा होगा नहीं उस टाइम। फिर लंच ही करेंगे, चाहे वो फिर मार्केट में करे कसौली या फिर होटल जाकर। दोस्तों 8:30 बज चुके हैं, 3.5 घंटे हो गए हमें दिल्ली से चले हुए और 215 किलोमीटर कवर हो गया है। लास्ट जब आपको अपडेट दिया था हम करनाल पहुंचे थे, अब हम अम्बाला पहुंच गए हैं। अब अम्बाला से कुछ टाइम बाद ही कट है चंडीगढ़ के लिए और एक अमृतसर के लिए। तो अमृतसर का नहीं लेना आपको, चंडीगढ़ वाला लेना है लेफ्ट में, और कालका और शिमला की तरफ जो रोड जाती है वो हाईवे ले लेना है जीरकपुर से। और जीरकपुर में यूजली थोड़ा जाम मिलता है आपको, तो वहां आपका टाइम जो है काफ़ी स्लो हो जाएगी गाड़ी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पे। बट आज जैसे हम पहुँच रहे हैं स्पीड पे, लग रहा है हम डेफिनेटली 5 घंटे में पहुँच सकते हैं, विच इज़ ए कमेंडेबल अचीवमेंट। मैं जब भी गया हूँ कभी भी 7 घंटे से कम तो नहीं लगे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है एक्चुअल में। अभी तो लग रहा है 5 घंटे में ही पहुँच जाएंगे। चलिए सी यू गाइस, एंजॉय द व्यू।
दोस्तों, क्या हाल चाल है। अब बज गए हैं 9:30 और हमने 270 किलोमीटर कवर कर लिया है। ड्राइवर हमने चेंज कर दिया क्योंकि ड्राइवर बहुत तेज चला रहा था, बहुत जल्दी पहुंचा रहा है हमें 5 घंटे के अंदर अंदर। तो इसलिए अब हम यहां से निकल रहे हैं। पंचकुला हम पहुंच गए हैं, टोल नाका क्रॉस किया हमने। यहां से 1.5 घंटे का सफर है। देखते हैं, ज्ञानीस पर रुकेंगे, एक बहुत बढ़िया ढाबा है वहां पे, लेमन चिकन अच्छा मिलता है, तो देखते हैं। चलिए आप, और यहाँ से रास्ता बहुत खूबसूरत है कसौली तक का, और शिमला भी आप जाते हैं तो यहाँ से पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। चलिए एंजॉय द रूट।
दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम अब पहुंचने ही वाले हैं कसौली। अराउंड 15-20 मिनट का रास्ता रह गया है। अभी जो मेन टॉल है कसौली से पहले, धर्मपुर से थोड़ा सा ही पहले है ये, वहां से निकले हम। उससे पहले पुलिस वाले खड़े हुए थे, उन्होंने हाई स्पीडिंग का चालान काटा है। कहा कि 60 की स्पीड थी और हमारा 75 निकला, और उससे पहले 80 का बोर्ड था 1 किलोमीटर पहले ही, तो वो 80 से 60 1 किलोमीटर में हो जाता है। तो आप जब यहाँ से आए पंचकुला से कसौली की तरफ, तो ध्यान रखना। और आगे इनफैक्ट 50 और 40, 30, 20 के भी बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो पुलिस वालों ने समझाया कि भैया वहां पे आप ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ध्यान रखना। बस ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, हम 20 times इस रास्ते पे आए हैं, बट दिस इज हैपेंड विद अस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दिस इज अ थिंग दैट यू कैन टेक केयर ऑफ इफ यू आर ट्रेवलिंग टू शिमला, कसौली, शोगी, ऑल दीज रूट्स। चलिए अब आप रास्ते का मजा लीजिए। आज मौसम थोड़ा सा सनी है, इतना क्लाउडी नहीं है। यूजली नहीं तो यहाँ पे व्यूज बहुत प्यारे आते हैं, आज उतना सुंदर नहीं लग रहा क्योंकि धूप थोड़ी निकली हुई है, बट फिर भी इट्स अ लवली प्लेस। ऐसा कुछ नहीं है, टिम्बर ट्रेल पीछे आया था, हम यूजली वहां स्टे करते हैं, बट इस बार हमें वहां मिला नहीं, तो हम ब्लॉसम रिजॉर्ट्स जा रहे हैं। वैसे हम वुड क्रीक में भी रुके हुए हैं, शिवालिक में भी रुके हुए हैं, तो होटल्स तो सारे यहाँ बहुत बढ़िया हैं, व्यू बहुत प्यारे हैं। ब्लॉसम रिजॉर्ट में गया नहीं हूँ, मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो अभी जाके पता लगेगा कि कैसा है होटल। चलिए सी यू, बाय।